वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं मांझीखान मुतवा, गांव सीढ़िया डो, जो कच्छ गुजरात में है। अब आपको पता ही है क्योंकि अब इस चैनल का नाम मडवर्क बाय मांझीखान है, तो आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए जो वीडियो पार्ट फोर बाकी था, जो इस नाम से जो आपने तीन वीडियोस देखे हैं, वहीं का यही भाग है, यही पार्ट है। तो हम आप इस वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाना था जो आपको पता ही है पहले से। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर साहब का रिव्यू जो दे रहे हैं, परिमल साहब कैसे रिव्यू, उनका उनको काम मेरा कैसा लगा। चलिए हम ये पहले देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये फ्रेम कैसे लगाते हैं। तो हमें अब इस चैनल का नाम यहीं परमानेंटली मिलेगा, मडवर्क बाय मांझी खान। तो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम चलते हैं वीडियो के और, परिमल साहब के जो मेरे को रिव्यू देता उनका मैं आभारी हूँ। परिमल साहब, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को पसंद किया, मेरे सर्विस को, मेरे आर्ट को मान सम्मान दिया। मैं कहूँ तो वो एक आर्ट के प्रेमी हैं। तो हम चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को परिमल साहब के साथ, हम सब आकर मिलकर देखते हैं दोस्तों। उसके बाद जाइएगा मत, आपके लिए ज़रूरी है फ्रेम कैसे लगाते हैं, हम उस फ्रेम को भी देखेंगे। आपको अगर फ्रेम का ऑर्डर करना हो तो मेरे नंबर हमेशा डिस्प्ले पर रहते हैं, आप मुझे एनी टाइम कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कूरियर सर्विस की आप टेंशन मत लीजिएगा, वेरी स्ट्रांग है, जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से पैकिंग भी कर देंगे, लेकिन कॉस्ट भी उसी हिसाब से हम लगाएंगे। लेकिन हाँ, कॉस्ट कोई ऐसे नहीं कि ज़्यादा नहीं होगा, और मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरा हक बनता है। मुझे मेहनत ही चाहिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बार कांटेक्ट करिएगा। आपको जब तक हमसे मुलाकात, हमसे बात नहीं होगी, तब तक आप हमें समझ नहीं पाएंगे, नहीं मैं आपको समझ पाऊँगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर मेरे पे कभी भी एनी टाइम। और तो चलिए दोस्तों, हम चाहते हैं उस वीडियो के और, परिमल साहब के साथ हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और आपका कीमती शेयर तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आज इस चैनल के जो शुरुआती वीडियो है, तो इस वीडियो के साथ चलते हैं हम परिमल साहब के साथ, चलिए वहाँ पर। तो अभी हमने फ्रेम लगा लिया, यहाँ पे फ्रेम है जो कैसा लग रहा है आप खुद देख रहे हैं। एक थोड़ा मैंने माइक हाथ में पकड़ा है क्योंकि परिमल भाई से मुझे कुछ सवाल हैं, जो कि वो रियल आप भी देख रहे हैं परिमल साथ, परिमल भाई के साथ मैं अभी लाइव में खड़ा हूँ। और इसकी फ्रेम जो मैंने बनाई थी, मुझे तकरीबन 10 दिन से भी ज़्यादा लग गए थे, तभी जाके फ्रेम पूरा हुआ था। और साइज़ तो आप जान चुके हैं, 6x3 फिट, क्योंकि ये रिव्यू और पैक फ्रेम लगाने का ये चौथा पार्ट बना है। तो हाँ, मैं परिमल भाई से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आपको मेरी फ्रेम कैसी लगी, मेरा वर्क या मेरी पैकिंग, तो आप खुद जान लीजिए मेरा वर्क कैसा है। और आपको भी अगर फ्रेम लेना हो तो कुछ आपको भी मदद मिलेगी इससे शायद। सर जी, जब मैंने आपका काम किया और मुझे 10 दिन से ज़्यादा लगे थे इसमें, तो आप हमारे दोस्तों को बताएंगे मेरा आपको काम कैसा लगा, थोड़ा बहुत बढ़िया, जो मैंने सोचा नहीं था इससे भी अच्छा काम हुआ है। मेरा थोड़ा परिचय दे दूं आपको। मैं अंजार कच्छ गुजरात में जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने फेसबुक पर माझी खान भाई का वो पेज पढ़ा था, फिर बहुत सी उसका जो फ्रेम जो उसने बनाई है वो फ्रेम भी मैंने देखी। फिर मैंने फेसबुक पर से कांटेक्ट किया माझी खान भाई भाई का, और उसने तुरंत आके मेरे यहाँ घर की भी मुलाकात ली, कितनी फ्रेम चाहिए वो भी देखा आपने, और वो फ्रेम है मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दी। उसने कहा वो मैं साहब वो मेरे पर छोड़ दो, मैं सबसे अच्छी बनाऊँ। तो मैंने सोचा था वो कैसे बनाएंगे माझी खान भाई, मगर जब फ्रेम मैंने देखी तो लगता है कि वाह, अब ऐसी फ्रेम तो होने वाली ही नहीं है। उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा वो फ्रेम जो बनाई है, वो मटेरियल जो उसने पैकिंग किया था, वो पैकिंग यहाँ तक अंजार से सिमर दियारी बहुत दूर है, फिर भी यहाँ तक वो बहुत सबसे अच्छी तरह से वो फ्रेम आई, जहाँ उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। थैंक यू माजिद खान भाई। थैंक यू डॉक्टर परिमल साहब। जैसे आप लोगों ने देखा कि सुना आप लोगों ने, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से 160 किलोमीटर होता है, तो 160 किलोमीटर से लाना मुझे इसमें 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है। तो वहाँ से लेके मुझे मेरे सिटी भुज में आना पड़ा, भुज में से मुझे फिर स्पेशल एक छोटा हाथी लाना पड़ा, जो आप देख रहे हैं ये वीडियो फ़ोटो देख रहे हैं, इसी में मैं ला के लाया था। तो फिर मैं यहाँ डॉक्टर साहब के घर पे पहुँचा, और डॉक्टर साहब का मैं आभारी हूँ जो मेरे काम को, मेरे आर्ट को इतना मान सम्मान दिया।
और मैंने जो पैकिंग की थी उसका पार्ट आप पहले देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा हो इस टोटल ये चौथा पार्ट है, तो 1, 2, 3 पार्ट सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।